पावर पॉइंट ओपन कर रहे हैं हम। यहाँ से अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा, तब आप क्या करेंगे, ओपन अदर प्रेजेंटेशन पर आएंगे। जी, हमने ओपन कर लिया, हमारा पिछली क्लास में स्लाइड शो तक हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब रिव्यू और व्यू बचे हुए हैं, तो रिव्यू में सबसे पहला आपको यहाँ पर स्पेलिंग चेक मिलता है, जैसे अपन ने एमएस वर्ड एक्सेल में किया था अभी उसी तरह। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी क्या आ रहा है, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अपना जो पूरा प्रेजेंटेशन है उसमें कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, अगर कहीं होती, जैसे कि हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा था, और नेक्स्ट हम यहाँ पर एनालॉग को भी चेंज कर देते, हिंदी वाला नहीं करता। और दूसरा दूसरी चीज, जैसे पहले था, जैसे कि अपन मिनी को जहां जहां कैपिटल में लिखा होगा, भले आपने सही लिखा हो या गलत लिखा, वो उसको नहीं देखेगा। आपने जैसे कि हम यहाँ से स्पेलिंग चेक पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट उसको क्या लग रहा है, एनालॉग गलत लग रहा है, जबकि अपन ने कंप्यूटर भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये कैसा लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए आप इस स्लाइड पर हैं या जिस भी स्लाइड पर हैं, आपने यहाँ से F7 किया या फिर आपने स्पेलिंग पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक जहाँ पे भी उसको स्पेलिंग मिस्टेक लगेगी उस जगह पर वो आपको पहुँचा देगा। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया उसने, अब आप यहाँ पे आ गया, क्या लिखना चाहते थे, एनालॉग या फिर जो भी आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहते थे वो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चेंज ऑल कर देंगे, तो क्या होगा, सभी जगह पर चेंज हो जाएगा, जहां जहां आपने लिखा होगा चेंज करेंगे तो सिर्फ जो सिलेक्ट है उसी जगह पर होगा। और अगर आप यहाँ से इग्नोर कर देते हैं तो जो स्पेलिंग है वो वैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अपन यहाँ से चेंज कर देते हैं, अब वो नेक्स्ट जो भी हो आपका, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जो भी नेक्स्ट होगा ऑटोमेटिक ये उस पर ले जाएगा। आप क्या लिखना चाहते थे यहाँ पर वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसने यहाँ पे मिनी दिया ही नहीं है, तो अपन इसको इग्नोर कर देते हैं। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप करिए, अब कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इसलिए वो इस तरह से ऑप्शन देगा, आ जाएगा। ठीक है, बस वो कैपिटल वाले नहीं लेता। इसके बाद रिसर्च, आपको किसी चीज के बारे में रिसर्च मतलब सर्च करना है, आपको अलग से किसी ब्राउजर में ना जाकर यहीं पर आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से रिसर्च पर क्लिक कर दोगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर आ गया, हमने सिलेक्ट किया था, इसलिए अब आपको क्या करना है, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है और इसको यहाँ से सर्च पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आपको अलग से कोई पार्ट सर्च करना है जो आपके इसमें नहीं है, तब आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है एरो, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको उससे रिलेटेड दे देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको थिसोरस। ये ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन जब आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करोगे तब ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अभी अपन ने पढ़ा था, क्या रहता है ये बताइए, क्या होता है इससे, एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स लेट अस सजेस्ट अनादर वे टू से वॉट यू मीन। जैसे कि आप कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर क्या है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, इसको आप और कुछ लिखना चाहते हैं, और इस वर्ड को आप और क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे पर्यायवाची होता है, एक ही वर्ड के कई सारी अलग अलग चीजें होती हैं इस तरह से, तो आप यहाँ से थिसोरस पर क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड दे देगा। देखिए प्रोसेसर, सीपीयू, ठीक है, मेन फ्रेम, ये सभी कंप्यूटर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये दे दिया उसने, आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे बट, और जैसे कि हमने यहाँ से मिनी सिलेक्ट किया तो मिनी का दे देगा। देखिए बता, स्मॉल भी बोल सकते हैं आप इसको, मिनीचर भी बोल सकते हैं, या फिर ये इस तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसलेट का। आप कोई कुछ वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कर सकते हैं, जैसे कि हमने इतना इतना सिलेक्ट किया, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, पहले अपन सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद आप ट्रांसलेट पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया, किसमें है आपका, किसमें, हिंदी में, तो यहाँ पर जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट
सिलेक्ट करके किसमें ट्रांसलेट करना चाहते हैं आप, वो आप लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अपन इंग्लिश में कर लेते हैं। अरे फ्रेंच सिलेक्ट हो गया, ठीक है इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में आने लगा। अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं इसके नीचे या फिर इसी के ऊपर, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, और अगर इसके नीचे या और किसी जगह पर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उस जगह पर आप जाओ। फिर इसके बाद आप यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर दो तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। अ मिनी कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। इसी तरह से आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, आ जाएगा। आप हम इसको यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद लैंग्वेज का रहता है, आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तब आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपन को नहीं करना, नॉर्मली इंग्लिश ही ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कमेंट का। आप जिस भी जगह पर आपका क्लिक है, जैसे कि हमारा अभी कहीं पे भी क्लिक नहीं था तो उसमें स्लाइड पर हम कोई कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये यहाँ पे जो कमेंट दिख रही थी वो तो हट जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना ये शो होता रहेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता देगा कि आपने क्या कमेंट दिया। यहाँ पे आप जब F5 करेंगे, नहीं उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको कुछ याददाश्त के लिए रखना है, जैसे कि आपको याद करने के लिए रखना है कि हमें प्रेजेंटेशन में इस स्लाइड में कोई एडिटिंग करनी है, या फिर हमें कोई कोई आपका टॉपिक है जिस पर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं कि ये हमें इस पे बोलना है, तो आप पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर बाद में बोल लेंगे, इसलिए आप यूज कर सकते। कमेंट के रिप्लाई में भी आप कोई कमेंट दे सकते हो जितनी आपको देनी है। और जैसे कि हमें इस जगह पर कमेंट देनी है, ये जगह सेलेक्ट की कमेंट पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे साइड में आ गए, तो इस तरह से आप दे सकते हो। अलग अलग स्लाइड पर भी दे सकते हो, जैसे कि हमें इस स्लाइड पर देनी है, न्यू कमेंट पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से आप यहाँ से कमेंट आ जाए, ठीक है कर लेंगे। ये वाला ऑप्शन रहता है प्रीवियस नेक्स्ट, यहाँ पे भी मिलता है। प्रीवियस कमेंट देखनी है आपको, नेक्स्ट कमेंट पर जाना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, आ जाएगा। डिलीट करनी है कोई कमेंट तो जो कमेंट सेलेक्ट है ओनली, अगर वो डिलीट करनी है तो आप डिलीट से करेंगे, और डिलीट ऑल कमेंट्स एंड इंक ऑन दिस स्लाइड, ओनली इस स्लाइड की कमेंट्स आपको डिलीट करनी है, या फिर ऑल कमेंट डिलीट करनी है जो पूरे प्रेजेंटेशन में, अपन ऑल कमेंट डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप हम अभी कंट्रोल जेड से इसको वापस ले आते हैं, यहाँ पर शो कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप कमेंट्स को शो नहीं, सॉरी आप यहाँ से पहला ऑप्शन है कमेंट्स पेन, आपको यहाँ पर ये जो आ रहा था ना कमेंट पेन शो नहीं कराना, तो आप इस पर से क्लिक हटा दो, शो कराना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, ये शो होने लगेगा। शो मार्कअप पर से क्लिक हटा देंगे तो यहाँ पर ये जो कमेंट्स हैं तो, लेकिन आपको क्या हो रही है शो नहीं करा रहे हैं। आपको आप यहाँ से इसी ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे तो कमेंट्स आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको कंपेयर का। कंपेयर में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने दो प्रेजेंटेशन बनाए हैं, उन दोनों प्रेजेंटेशन में आपको कंपेयर करना है तो वो आप यहाँ से कंपेयर ऑप्शन से कर सकते हो। सेम है, लगभग सेम है तब भी कर सकते हो, और एकदम अलग अलग है तब भी कर सकते हो। आप यहाँ से कंपेयर पर क्लिक करोगे, वो प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए बोलेगा कि आपको कौन सा प्रेजेंटेशन जो है इसमें कंपेयर करना है, तो आप उस प्रेजेंटेशन को ओपन करोगे और यहाँ से मर्ज पर क्लिक करोगे। बस ओपन का ऑप्शन आता है, सेव का ऑप्शन आता है, अभी क्या रहा है मर्ज, मर्ज पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी आपका जो पहले से प्रेजेंटेशन था वो तो आपको यहाँ पर शो करा रहा है, लेकिन थोड़े से ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं। आप फर्स्ट स्लाइड पर जाइए, इस फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस वाले प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड होंगी ना वो आपको यहाँ पर शो करा रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर ये वाली फर्स्ट वाली स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करानी है, देखिए ये अपने प्रेजेंटेशन की नहीं, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर एक और आ रही है, आपको स्लाइड नंबर 5 इसमें इंसर्ट करानी है, देखिए 5 नंबर होगा, आप बाद में इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन की हमें ये वाली स्लाइड क्या करनी है, डिलीट करनी है, तब यहाँ पर ये हर एक अपनी जो भी स्लाइड्स है उन सभी स्लाइड्स के ऊपर इस तरह से बन रहा, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, रखना चाहते हैं तो मत करिए डिलीट, या फिर कोई आपने उस प्रेजेंटेशन की ले लिए तो वो डिलीट करनी है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो देखिए बता रहा है 3 स्लाइड और बची है, आप बाकी स्लाइड इंसर्ट कर चुके हैं,
अगर आपको मर्ज रहने देना है तो रहने दीजिए, नहीं तो फिर आप